हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं आई हूँ ऊपर पौधों में पानी देने, क्योंकि फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और मैं भूल गई थी पौधों में पानी देना। तो गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि इनको अब रोज शाम को मुझे पानी देना पड़ता है, वरना ये सूखने लगते हैं। पता नहीं कि मेरे पौधे तो ना सूखने लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इन पे गर्मी का असर आ रहा हो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल रहे हैं लेकिन इनकी जो रंगत है ना वो चली गई है। देख रहे हो पसीना, पौधों में पानी डालते डालते अंधेरा सा हो गया। एक घंटा लग जाता है मुझे ऊपर गार्डन में जाऊं तो, लेकिन जाना भी जरूरी है। इतनी कड़क धूप पड़ रही है ना कि सारे पौधे अजीब से मुरझा से गए हैं और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है अपने पौधों को देख देख के। तो दूसरा सिलेंडर लगाया, आप लोग बोल रहे थे ना कि दी आपको सिलेंडर लगाना नहीं आता है, जो आप भैया से लगवा रहे हो, भैया का वेट कर रहे हो। तो ये सिलेंडर हम किसी और के वहां से मांग के लाए थे, तो उससे हमारा थोड़ा सा काम चला। अब जो है ना दूसरा लगाया, इसको बाहर रख देना स्टैंड पे साथ ही साथ, है ना। तो अब है ना फाइनली गैस फिर से स्टार्ट हो गई। मैंने यहाँ पे प्याज काट के रखी थी, टमाटर धो के ये सारे रखे, लेकिन जैसे ही सब्जी बनाने गई गैस खत्म। और यहाँ पे हाँ दूध भी गर्म करने रखा था, सो वो दूध भी गरम नहीं हो पाया। काम चलाओ तो अड़ोस पड़ोस से काम चल जाता है। बस ना कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, और यहाँ पे मैंने डाला है एक चम्मच, डेढ़ चम्मच के करीबन देसी घी, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। उसके बाद लहसुन, प्याज और अदरक का टुकड़ा भी मैंने डाल दिया था, वो शायद मैं दिखा नहीं पाई हूँ। तो अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से ना, ये मानिए 50% तक आपको है ना इनको भून लेना है घी में अच्छी तरह से। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी डाल दें, मेरे पास तो घर का बना हुआ घी है तो मैं वही डाल देती हूँ। इसके बाद ना थोड़े से काजू आपको डालने हैं, ये मान लीजिए कि एक मुट्ठी काजू तो आपको डाल देने हैं, और सब्जी के हिसाब से डालने हैं। मैं सब्जी बहुत ज़्यादा बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने सब चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। और उसके बाद इनको ढक के 5 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद ना सब्जी को हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। सब्जी नहीं है एक्चुअली, हम ग्रेवी बना रहे हैं सब्जी की, तो इसको ना ठंडा करने के लिए रख देंगे। और 5-10 मिनट लगती है ठंडा होने में, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाए ना तभी आप मिक्सी में पीसना, नहीं तो फिर है ना मिक्सी के जार में बहुत ज़्यादा एयर बन जाती है और पीस नहीं पाते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया। उसके बाद अब मिक्सी का जार लूँगी और इसके अंदर सारी ग्रेवी को ट्रांसफ़र करूँगी, यानी सारे प्याज टमाटर को ट्रांसफ़र करूँगी। फिर इसकी ग्रेवी बना लूँगी एकदम फाइन सी, मैं बिल्कुल भी दरदरी जो इसकी ग्रेवी बनाऊँगी ना बिल्कुल दरदरी नहीं बनाऊँगी, एकदम बारीक एकदम सॉफ्ट जो बनती है ना उस तरह की बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको मिक्सी में पीस रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ग्रेवी कैसी बनी है। तो देखिए बिल्कुल बारीक मैंने पीसी है, सारे गरम मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से पीस चुके हैं,
तो अब है ना यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है जिसके अंदर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। और याद रखें घी को गर्म नहीं करना है, बिल्कुल मामूली सा गर्म रखना है, उसके बाद मसाले डालने हैं, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने है ना हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा पनीर मसाला यानी शाही पनीर मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, सारी चीज़ें अच्छे से डाल दी। अब आपको गैस थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, उसके बाद इन सारे मसालों को घी में अच्छी तरह से भून लेना है, फिर पानी डाल देना है और पानी डाल के भी अच्छी तरह से भून लेना है सारे मसाले, जब तक कि घी ना छोड़ दें। तो बस इतना ध्यान रखें कि गैस को धीमी रखना, नहीं तो फिर मसाले जल जाएंगे। आप चाहें तो पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, पर मेरे मसाले तो नहीं जलते हैं तो मैं इसी तरह से डाल लेती हूँ। और उसके बाद जो ग्रेवी बनाई थी उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी, मेरे जेठ जी की फरमाइश में, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रहे थे तो आज मैंने कहा कि चलो मैं बना ही देती हूँ। उनको मेरे हाथ की पनीर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो स्पेशली जैसे बोल के बनवाते हैं, तो मैंने कहा कि चलो भैया की फरमाइश है तो चलो बना देती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि ग्रेवी जितनी आपको पतली रखनी है उतना पानी आप डाल सकते हैं। और अभी थोड़ा सा बॉईल भी लाना है ग्रेवी के अंदर, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पर मैं पनीर बना दूंगी। तो पनीर यहाँ पे 250 ग्राम पनीर है, क्योंकि हम लोग 7 से 8 लोग हो गए थे आज खाने के लिए, 3 भैया की फैमिली के मेम्बर और बाकी 4 जन तो हम हैं ही, तो इसी वजह से क्या है कि 250 ग्राम पनीर में हो गया था। तो यहाँ पर मैं पनीर के पीसेस काट रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काट रही हूँ, मीडियम ही काट रही हूँ कि एक बाइट के अंदर एक पनीर तो आराम से आ जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पनीर होता है ना तो फिर वह नहीं खाया जाता। और यहाँ पे देखो मेरी आरू पनीर खा रही है, मेरी आरू को कच्चा पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी उसको देती हूँ कि कम से कम वो प्रोटीन की चीज़ खाएगी तो अच्छा रहेगा। और वो सब्ज़ी में पनीर नहीं खाती है, लेकिन उसको कच्चा चाहे कितना भी दे दो तो वो खा लेती है। तो यहाँ पे मैंने पनीर की क्यूब्स काट लिए, और आप चाहें तो पनीर को हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन शाही पनीर में कच्चा पनीर ही अच्छा लगता है। फिर अपनी अपनी चॉइस होती है कि जैसा जिसको पसंद हो वैसा खाता है, तो मैं तो कच्चा ही डालती हूँ, ज़्यादातर मैं सब सब्ज़ियों में कच्चा ही खाना पसंद करती हूँ, मुझे ना भुना हुआ पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके भैया को अच्छा लगता है तो कभी कभी मैं भून भी लेती हूँ यानी फ्राई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे पनीर कट हो गया, और अभी बॉईल नहीं आया है इसमें, क्योंकि मैंने गैस को बहुत धीमा रखा था। तो मैंने यहाँ पे पहले स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक, अब गैस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर बॉईल आना स्टार्ट हो गया, और साथ ही मैंने डाली है यहाँ पे 2 से 3 बड़ी चम्मच घर की फ्रेश मलाई, घर की नहीं है तो आप अमूल की जो क्रीम आती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना जो फ्रेश चीज़ें होती है ना गाँव की, उनसे टेस्ट है ना ज़्यादा अच्छा आता है, इसी वजह से मैं उनका यूज़ करती हूँ। जैसे कि घी हो गया, मलाई हो गई, इनको डाल के ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ग्रेवी में अच्छा खासा बॉईल आ चुका है, तब यहाँ पर जो भी पनीर मैंने काटे थे सारे पनीर को मैं ऐड कर दूँगी, और अच्छी तरह से ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा से सूखे धनिया, मेरे घर पर ये सूखे धनिया रखे थे तो मैंने आज यही डाल दिए, और गरम मसाला भी डालना है। शाही पनीर तो मैं पहले शाही पनीर का मसाला डाल चुकी हूँ, तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनके हो जाएगी डन बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए अभी मैं इसको और पकाऊंगी, ये मान लीजिए कि 2 से 3 मिनट बॉईल और आने देना है, तो सब्ज़ी हमारी हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल डन। तो अगर आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे भी मैं अपने चैनल पर न जाने कितनी बार शाही पनीर की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मोस्टली जब भी घर में बनती है तो मैं सोचती हूँ कि चलो रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे भी ये कोई मैंने चैनल की वजह से कोई रेसिपी नहीं बनाई थी, ये तो मैंने मेरे जेठ के लिए बनाई थी। और यहाँ पर अब मैंने डाली है चीनी, क्योंकि मेरे जेठ जी को ना चीनी वाली सब्ज़ी नहीं पसंद है, शाही पनीर भी वो तीखा खाते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले अलग निकाल ली, अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाल दी है फ्लेवर बढ़ाने के। तो मैंने ना फटाफट सब्जी बनाई है, और ये रही सब्जी। तो ये मैंने निकाली है बिना चीनी वाली शाही पनीर की, और ये मैंने लगाई, ये मैंने बनाई है चीनी वाली, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं शाही पनीर में। लेकिन ये सब्जी जा रही है मेरे जेठ के घर, मेरी बुआ सास के घर जा रही है, तो उन्होंने बोला था कि विजय अपनी बहू से बोल मेरे लिए पनीर की सब्जी बना के भेजे, तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। तो ये उनकी बिना मीठी और मैं हमारी थोड़ी सी स्वीट डाल के बनाई है मैंने, बाद में चीनी डाली आपने देखा ही। तो आज उनकी फरमाइश पे मेरे घर ये रेसिपी बनी है, वरना कोई मूड नहीं था बनाने का, और जल्दी जल्दी बना रही थी मैं कि मैं उनके, वो लोग क्या है कि 8 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, तो मैंने तो बना दी सब्जी, ठंडी करने के लिए रखी है मैंने, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर इसकी कैप लगा दूं। बट ना तो भैया आए लेने, यानी मेरे जेठ भी नहीं आए लेने, और जय भी नहीं है घर पे। अब देखती हूँ कोई नहीं आता है तो फिर स्कूटी लेके भगना पड़ेगा मुझे।
और सब्जी मेरी डन हो चुकी है, बस अब ना ट्रांसफर कर लूँ मैं दूसरे बर्तन में। सब्जी लेने आई है ताऊ ने तो कह के बनवाई है बेटा। आपके हाथ की अच्छी लगती है। बोलते हैं हाँ, रीनू की हाथ की पनीर की सब्जी बना दो, शाही पनीर की। तो आप सबने मेरे जेठ जी को देखा ही होगा काफ़ी बार, क्योंकि मेरी बुआ सास है ना, ये उनके बेटे हैं, तो मेरे जेठ ही लगते हैं। तो भैया को ना मेरे हाथ की सब्जी अच्छी लगती है, हमेशा बोलते हैं कि तू गुजराती बहू लेके आया है तो ये मीठी बना देती है, मेरे लिए तीखी बनवाया कर। हमेशा बोलते हैं कि विजय तू तो गुजराती बहू लेके आया है, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं हम लोगों से। मोलू बोलता है ताऊ जी मेरा टिफिन तो दे देना वापस। मैंने कहा अच्छा ऐसे बोल रहा है ताऊ से, तो बच्चा है वो उनसे बहुत उदम करता है। किसने? उन लोगों ने यार, मैंने आज मैंने फिटिंग के लिए कपड़े निकाले तो है ना, आज मैंने निकाला ही अपने कपड़े, सुबह निकाले थे कि मैं फिटिंग करा लूं इनको। आप लोग इतना कह रहे हो कि दी नए कपड़े क्यों नहीं पहनते क्यों नहीं पहनते, लेकिन मेरे एक भी कपड़े फिटिंग नहीं है। और सच बताऊं सबके लिए मेरे पास टाइम है, लेकिन खुद के कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है। मुझे टेलर पे जाना है, सारे कपड़े फिटिंग कराने हैं, तब मैं इनको पहन पाऊंगी, जो कि हो नहीं पा रहा है। और इतने ढीले है ना कि पहनूंगी तो क्या बोलते हैं चाड़िया, गुजराती में बोलते हैं, हिंदी मुझे नहीं पता उसका नाम, मैं चाड़िया लगूंगी। चाड़िया यानी जो खेत में ऐसे हाथ करके खड़ा होता है ना, वो तो निकाले थे, अब ये वापस अलमारी के अंदर ही जा रहे हैं। भाई ये क्या फैलाया तुम लोगों ने इधर, ये किसने ला रहा, तुम्हारी चीज नहीं है, देखो चेयर कर लिया यहाँ पे बैठ कर। क्या हुआ? साइकिल चल रही है हमारी मिट्टू की, दूध उस सीट पे बैठेगा वो। बता दो सीट पे, बता दो। तो ये सब्जी मैं दे रही हूँ हमारे पानी वाले बाबा को, मैंने कहा बाबा शाही पनीर की सब्जी बनाई है तो उनको भी दे रही हूँ। अब बनाई है तो पनीर की सब्जी बाबा को पन्नी में दे दू बेटा, पन्नी में गरम है। पन्नी में करके दे देती हूँ क्योंकि यहाँ से वहां तक रास्ते में जाएंगे ना, तुम दे रहे हो ऐसे देना, ऐसे ऐसे करके नीचे गरम है ऐसे पकड़ना। बोले बाबा लो सब्जी पिन तुम्हारा। देख कंधे पे रख रहा बाबा के, ऐसे ही देता है, है बाबा के कंधे पे रख दिए हैं उसने। बाबा से हमेशा उदम करता रहता है। बाबा गुड नाइट बोलते, बाबा जा रहे हैं। बाय टाटा शिव। तो खाना पीना सब कुछ हो चुका, किचन वगैरह सब कुछ मैंने साफ कर दी। उसके बाद मैं आई हूँ अपने हेयर में ऑयल डालने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी और मैं टाइम यानी भूल जाती थी बार बार बालों में तेल डालना, और जब तक तेल ना डालो ना बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अभी अपने बालों में तेल, और घर का बना हुआ तेल डाल रही हूँ जो कि मैं बना के रखती हूँ अपने पास हमेशा। और इस तेल की रेमेडी है ना मेरे नेचुरल ब्यूटी वाले चैनल पर है, आप लोग देख लेना। मैंने सरसों के तेल में आंवला वगैरह डाल के इस तेल को बनाया है, और सच में गाइस इस तेल से ना मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं ना, जो क्योंकि मैं आज रात को डाल लूँगी और कल दूसरे दिन मैं अपने बालों को धोऊँगी तो सुबह तक बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना इससे। और सरसों का तेल है, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं उनसे ना बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आप लोग हमेशा से मेरे बालों को देख रहे हो कि मैंने कभी कोई शिकायत ही नहीं की है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर का तेल मैं लगाती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है ना कि फटाफट में जो तेल हाथ में आया वो लगा लिया। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि मैं ना जब ओवरनाइट के लिए कोई तेल लगाती हूँ ना तो मैं अपने हाथों से बना हुआ ही तेल लगाती हूँ,
तो आप लोगों को अगर ये इस तेल की रेमेडी चाहिए ना, तो आप नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू मेरा जो चैनल है सेकंड, जिस पर भी आजकल मैं व्लॉग भी ऐड कर रही हूँ, व्लॉग भी डाल रही हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके इस रेमेडी को बनाइए, लगाइए और रिजल्ट मुझे बताइए। क्योंकि सच में गाइस, जिनके सफ़ेद बाल हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और जिनके बाल झड़ रहे हैं ना उनको भी इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं इस तेल को ना एक साल से लगा रही हूँ, मैंने एक साल पहले बनाया था, और एक साल पहले से जब मेरा ख़त्म हो जाता है मैं फिर बना के रख लेती हूँ, और इस डब्बी में भर के रख लेती हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं आधा कप जितना तेल बनाती हूँ और उसको रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत कम लगता है। बनने के बाद ये इतना गाढ़ा हो जाता है ना कि थोड़ा सा लगाओगे और पूरे बालों में ये हो जाता है। लेकिन सच में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने सोचा पहले एक साल मैं खुद इसको लगाऊंगी, तब इसका जो प्रॉपर रिजल्ट होगा ना वो आपको बताऊंगी। तो आप लोग जाके देखेंगे ना, तो मैंने इस तेल को एक साल पहले शेयर किया था, तब से मैं इसको रेगुलरली लगा रही हूँ अपने बालों में भी और आरू के बालों में भी। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय, लव यू।